12 सितंबर 2021 आपके सपनों को पूरा करने का दिन। 2-3 सालों से जो संयम आपने रखा, उसी संयम को अपने दृढ़ इरादों के साथ 11 सितंबर तक बनाए रखना है। हमें पूरा विश्वास है आप पर, क्योंकि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से, कैसे बना आशियाना? वो बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, जो परफेक्ट संयम से ही पॉसिबल होता है। आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। 12 सितंबर 2021 की नीट जो है हमें क्रैक करनी है, और इस लक्ष्य को केंद्रित करते हुए पिछले 2 साल से हमने बहुत ही साहस से और धैर्य से इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जीवन में साहस ही वो जादू है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। एकाग्रता, बेटा आपके एग्जाम के लिए कुछ ही दिन बाकी है। कोई भी काम अगर आप एकाग्रता से करते हो तो आपको जीतने से कोई भी रोक नहीं सकता। एकाग्रता ही सभी नश्वर सिद्धियों का शाश्वत रहस्य होता है। इसलिए बेटा आपको ओनली आपके फाइनल एग्जाम्स के ऊपर ही एकाग्र होना है, राइट? तो बेटा आपकी फाइनल एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। संसार में ऐसी समस्या कोई भी नहीं है जो अपने मन से अधिक शक्तिशाली हो। बेटा 12 तारीख को जो अपना सबसे बड़ा चुनौती है, यानी अपना नीट एग्जाम, उस एग्जाम तक अपने हौसले बुलंद करके रखना है बेटा। अपने विल पावर को मजबूत बना के रखना है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी समस्याएं कितनी बड़ी है, बल्कि अपने समस्याओं को ये बताओ कि अपने हौसले कितने बड़े हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आने वाले 12 सितंबर को जो नीट की एग्जाम हम फेस करने वाले हैं, उसको बहुत ही कॉन्फिडेंटली क्रैक करना है। आपने बहुत निष्ठा से पढ़ाई की है, इसलिए सक्सेस तो आपको मिलने ही वाला है। एक ही मैसेज मैं आप सबको देना चाहूंगा, बदलेगा तेरा भाग्य, क्योंकि कर्म ही तेरी भक्ति है। कुछ भी नहीं असंभव, क्योंकि कर्म निष्ठा ही तेरी शक्ति है। और इसी मैसेज के साथ मेरी तरफ से और टीम आईआईबी की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईबी। बेटा आपकी नीट की एग्जाम काफी नजदीक आई है, और इस नीट के एग्जाम को आपको काफी अच्छी तरह से सक्सेसफुली क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। तो किसी ने खूब कहा है, भरोसा खुदा पर हो तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुदा पर हो तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर हो तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। हेलो स्टूडेंट्स, 12 सितंबर को आपके नीट की एग्जामिनेशन है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और यही उम्मीद करते हुए मैं आपको कुछ चीजें बोलना चाहूंगी। दर्द गम डर जो भी है तेरे अंदर है, खुद को बना है पिंजरे से निकाल कर देख। तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहां से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। लेट्स बीट द नीट। 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक जो दुनिया की तरह खुद को बदल लेते हैं, और दूसरे जो खुद की तरह दुनिया को बदल देते हैं। ये जो दुनिया को बदलने वाले लोग हैं, इन सब में एक चीज कॉमन है, क्या? कि इनके इरादे बहुत पक्के होते हैं, इनके इरादों में जान होती है। और इसीलिए कहना चाहूंगा कि ना पूछो कि हमारी मंजिल कहां है, ना पूछो कि हमारी मंजिल कहां है, क्योंकि हमने अभी चलने का इरादा किया है। ना हारेंगे कहीं, ना रुकेंगे कभी, ना हारेंगे कहीं, ना रुकेंगे कभी, क्योंकि यही हमने हमारे मंजिलों से वादा किया है।
बचपन से हमने सुना है कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। पिछले 2 सालों से हमने खुद को 12 सितंबर की नीट एग्जाम के लिए तैयार किया है। अब समय आया है बुलंद हौसलों के साथ, हमारे अटूट विश्वास के साथ हमें अपना वजूद खुद बनाना है, क्योंकि कौन जाने मंजिल कहाँ है, बस कोशिश करते जाना है, क्योंकि सागर का भी किनारा होता है। तो बच्चों, आपकी नीट की परीक्षा 12 सितंबर 2021 को आयोजित की गई है और आपका लक्ष्य है इस परीक्षा में सफल होना। तो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने वाली वो अनुपम शक्ति आत्मविश्वास ही है। अगर आपका मन आत्मविश्वास से भरा है तो आपका मन शांत होता है, और अगर आपका मन शांत होता है तो आप किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर खुद पर हो यकीन तो अंधेरों में भी रास्ते मिल जाते हैं। हेलो बच्चों, जिस मंजिल का हम बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे वो मंजिल आज हमारे सामने है, और उसी के बारे में थोड़ी सी काव्य पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा। कुछ करना है तो डटकर कर, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक हासिल ना हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य आपके सामने है, बस उसी पे अपना निशाना रख। सोच मत, साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तुझे तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे मेहनत और आत्मविश्वास लेके उनके पीछे आज मेले है, जो लगे रहे शिद्दत से उनकी जिंदगी में आज उजाले ही उजाले है। ठीक है बच्चों, तो इसी मेहनत और लगन के साथ जो है पढ़ते रहिए। देखिए, कुदरत आपके मेहनत का एक जर्रा भी जाया जाने नहीं देगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए इसी मेहनत के साथ। लेट्स बीट द नीट को हम क्रैक करते हैं। ऑल द बेस्ट।